हाउ टू गेट रीड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन फ्रैकल्स डार्क स्पॉट्स एक्ने स्कार्स ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके अंडर ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब के कॉजेस क्या हैं इन सबका प्रिवेंशन क्या है और इनको अगर आ चुकी है प्रॉब्लम तो क्या हम कर सकते हैं जस्ट टू क्योर देम होम रेमिडीज़ क्या हैं आगे वीडियो में देखते हैं गाइज वेलकम बैक टू चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत सारा थैंक यू और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनका भी थैंक यू क्योंकि वो मेरी इस वीडियो को तो एटलीस्ट देख रहे हैं और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन पर बिल्कुल भी क्लिक करना ना भूलें जिससे कि कोई भी आने वाला अपलोड आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके टेशन so so, एक बहुत ही बड़ा नाम है जिसके अंडर आते हैं ये सभी फ्रेकल्स हो गए डार्क स्पॉट हो गए और एक्ने uh, स्कार भी उसके अंडर आ सकते हैं नॉट डायरेक्टली बट इनडली हाउ हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है आपकी जो स्किन का नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन होता है उसके कंपेरिजन में डार्कर शेड के पैचेस आपकी स्किन में आना इसको हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन इसका रीज़न क्या होता है अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सन में एक्सपोज करते हैं यूवी रेज जो होती हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं यूवी रेज जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है एंड दैट पिगमेंट इज़ मेलेन हो जाता है सो so, मेलेन का जो प्रोडक्शन होता है वो जब इंक्रीज हो जाता है अपनी नॉर्मल टेंडेंसी से तो आपकी स्किन का जो नॉर्मल शेड है उससे डार्कर शेड के पैचेज आपकी स्किन में आने लगते हैं जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं हम उन्हें फ्रेकल्स कह सकते हैं हम उन्हें डार्क स्पॉट्स कह सकते हैं उन्हें ब्राउन स्पॉट्स भी कह सकते हैं और अगर आपके कही कहीं ना कहीं एक्ने आ गए और उसके बाद आपका जो निशान छूट गया सो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन मतलब आपके जो स्किन का नॉर्मल पिगमेंट है नॉर्मल कलर uh, है कॉम्प्लेक्शन है उससे ज्यादा डार्क शेड का कोई पैच आपकी स्किन में आ गया है या कोई स्पॉट आपकी स्किन में आ गया है तो इसके लिए एज अ प्रिवेंशन मेजर आप क्या कर सकते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलें धूप में जाएं तो आप अपने सन ब्लॉक जरूर अप्लाई कीजिए इंडियन स्किन के लिए 30 एस का जो सन ब्लॉक होता है दैट इज़ मोर देन इनफ़ मार्केट में हालांकि आपको 50 से लेके 70 तक के एस मिल जाएंगे बट मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो ब्राउन स्किन है इंडियन स्किन ब्राउन स्किन बोलते हैं इन जनरल जो वाइट स्किन होती है उन लोगों के लिए 70 एस पी एफ इज़ ओके वाइट स्किन मतलब जैसे लगान में बोलते थे ना गोरे लोग गोरो ने ये कहा है लगान मूवी सब देखी होगी वो लोग होते हैं लाइक वाइट स्किन हम इंडियन हैं हम लोग ब्राउन स्किन में आते हैं 30 एस का अगर कोई सन ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हैं दैट डू द जस्टिस एंड डू द जॉब टू योर स्किन कॉम्प्लेक्शन अब बात कर लेते हैं सेकेंड रीजन की ये हो सकता है आपको वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी से वाइटामिन सी आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो भी आपको ये सारे जो डार्क स्पॉट्स हैं हाइपर पिगमेंटेशन हो गया फैकल्स हो गया इस वजह से आपको आ सकता है तो आप कर सकते हैं अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं वाइटामिन सी के बहुत सारे सोर्सेज हैं लेमन हो गया ऑरेंजेस हो गए देन ग्रे फ्रूट हो गया, हो गया। ये सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड करके प्रॉपर इंटेक ले सकते हैं वाइटामिन सी का नाउ मूविंग ऑन टू होम रेमेडीज हमारा फेवरेट टॉपिक मेरा भी और आप सभी का तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं hmm. तो होम रेमेडीज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किन को इन सभी डार्क स्पॉट्स हाइपर पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स जैसी प्रॉब्लम से कैसे आप रिलीव पा सकते हैं आपको सबसे पहले इसमें मैं आपको दो रेमेडीज बताऊंगी जिनको ओके टाइप्स प्रॉब्लम है मतलब मैनेजेबल है थोड़े हल्के हल्के निशान हैं वो सिर्फ एक भी प्रैक्टिस करेंगे दैट विल डूज ए जॉब लेकिन जिनको ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम है आप दोनों प्लीज करिए और मुझसे फीडबैक तो ज़रूर शेयर करना पर पहले देख लेते हैं कि आपको करना क्या है सबसे पहले आपको लेना है पोटैटो uh, आलू जिसे हम कहते हैं दूसरा है इंग्रेडिएंट कर्ड जिसे हम दही कहते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लार मतलब कि बेसन आलू इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि आलू में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके स्किन में या आपके फेस पे जो भी स्किन के कोई भी स्पॉट्स जो भी डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं उनको लाइटन अप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है दूसरा दही इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन को एक आपका जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है आपकी स्किन का जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है उसको रीगेन करने में दही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बेसन इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बेसन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में न्यूट्रल इन्ग्रीडियंट है मैंने बेसन पर एक ऑलरेडी पूरा फुल वीडियो बनाया है जाके जरूर देखिए आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आई एम

बेसन दो से तीन टीस्पून चलेगा अपने आइडिया से आप ले लीजिए दही आपको ऑलमोस्ट तीन से चार टीस्पून आप ले सकते हैं जो आलू है आपको थोड़ा सा कट करना है बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको उसे अच्छे से ग्रेट करना है और उसके बाद उसको छान लेना है उसके जूस को ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है मैंने जूस अब मैंने बेसन और दही को आपस में मिला दिया और इसमें मैंने पोटैटो जूस भी डाल दिया अच्छे से अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि आलू में कुछ ऐसे इन्ज़ाइम्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपकी स्किन को एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्शन देने के लिए और अगर डार्क स्पॉट्स हैं उनको लाइटन अप करने के लिए आलू इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट बट आलू किसी किसी सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए हल्का सा स्ट्रॉग हो सकता है बट लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आलू ने किसी के लिए कुछ कर दिया आलू तो बहुत ही क्यूट सा मतलब <laughs> आलू तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा एक वेजिटेबल है तो प्लीज़ ऐसा एकदम से मत सोचो बट मैं फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितने भी लोगों को बताऊँ इन्फॉर्मेशन सही बताऊँ लोगों का अच्छा हो उससे मतलब लोगों की हेल्प हो ठीक है तो अगर आप आलू यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं कोकोनट ऑयल वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्योंकि स्किन के लिए वो अच्छा है अगर आपने कोई और 100% नेचुरल टाइप का कोई भी uh, ऑयल पहले यूज़ किया हुआ है कोकोनट ऑयल अपने फेस पे तो आप वो भी डाल सकते हैं तो मैंने इसमें हल्का सा वो भी डाला और इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद अपने पूरे फेस पे अलोंग विद योर नेक आपको स्प्रेड करना है वाई नेक क्योंकि नेक अदरवाइज बेचारा सा रह जाता है और वो स्किन तो बिल्कुल ही चमक रही होती है और बेचारा नेक ऐसे ही बैठा होता है डल सा तो दोनों का ध्यान रखिए तो so, आपको पूरे नेक में और स्किन में लगाना है 15-20 मिनट्स तक रखना है एंड देन वॉश इट ऑफ आते हैं उन लोगों की तरफ जिनकी प्रॉब्लम है थोड़ी ज्यादा तो उनको क्या करना है स्टेप नंबर टू भी फॉलो करना है आपको क्या करना है और जिनको प्रॉब्लम कम है और उनको फिर भी बहुत ज्यादा मजा आता है अपनी स्किन केयर में अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने में तो यू कैन डू दैट ऑल्सो नो प्रॉब्लम विद दैट इंग्रेडियंट बहुत ही सिंपल है तीन इनग्रेडियंट है पहला है एलोवेरा जेल प्लांट बेस्ड यूज कर सकते हैं वो लोग जिनको पता है सही तरीका क्योंकि अगर आपको प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल को यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता तो हो सकता है आपको उसका बेनिफिट ना हो और उतना मैं इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँगी ज़रूर ये मेरे को एक एक क्लैरिटी देनी है सभी ऑडियंस को तो मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और दूसरा कंसिस्टेंसी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं मतलब कंसिस्टेंसी जो होता है पतला है मोटा है उस नज़रिए से भी मैं अगर देखूं तो जो मार्केट वाली जो एलोवेरा जेल होती है वो एक अच्छा आपको यू नो होममेड मेड सिरम बना के दे सकती है तो इसलिए मार्केट पेस्ट यूज़ कीजिए कुछ पम्प्स आपने एलोवेरा जेल के यूज़ करने हैं दूसरा आपको यूज़ करना है रोज़ वाटर दो से तीन टी इतना ही तीसरा मेन इंग्रेडिएंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था वाइटमिन सी की डेफिशिएंसी से होता है तो वाइटामिन सी का एक सोर्स जो कि है ऑरेंजेस जो लोग लेमन स्किन पे यूज़ करते हैं वो लेमन भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पास खास रीज़न है ऑरेंज ऐड करने का क्योंकि ऑरेंज में 10 से 11 कभी 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 ग्यारह भी होते हैं ना आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कोई पीस आ जाता है छोटा सा पीस होता है दो बड़े पीस के बीच में एक छोटा सा पीस तो आप ऑरेंज यूज कर सकते हैं दस ग्यारह पीस आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर तो उसमें आपको सिर्फ तीन ही पीस यूज़ करने हैं उनका जूस स्क्वीज़ आउट करना है कुछ ऐसे जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा सा मैसी हो गया मैंने पूरी कोशिश की इसे जितना क्लीन नीट एंड यू नो सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने का बट उतना नहीं हुआ <laughs> तो आप इसमें से तीन जो पीस हैं उनका जूस निकालिए और जो बाकी के पीस हैं वो आप खा लीजिए बिल्कुल खाइए डाइट में ऐड करेंगे जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वही चीज़ आप खा रहे हैं तो एब्जॉर्पेशन जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ आप खा भी रहे हैं तो एब्जॉर्पेशन प्रोसेस हो जाएगा डबल ट्रिपल पता नहीं कितने टाइम्स ठीक है तो आप जो एक टाइम का बैच बनाएंगे वो आपका रफली फाइव डेज़ तक चलेगा आपको सुबह भी लगाना है शाम को भी लगाना है मेक श्योर sure आप लगा के से बाहर ना जाए होम मेड है क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट बेस नहीं है कि आप बाहर लगा के जा सके तो जब आप सुबह उठते हैं फेस वॉश कीजिए इसको लगाइए और घर से निकलने से पहले फ्रेशन अप हो के, देन यू कैन गो दूसरा जब आप अपने ऑफिस से या कॉलेज से कहीं भी आए हैं मेक श्योर sure आप डायरेक्ट इस पर नहीं लगाएंगे डायरेक्ट इसे फेस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी स्किन में बहुत सारा डर्ट और इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी होगा सो वट यू हैव टू डू आपको वॉश ऑफ करना अपना फेस नॉर्मल फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं और उसके बाद क्लीन स्किन में फिर आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे जिससे कि इसका पेनिट्रेशन आपकी स्किन में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो और उसके बाद उसे आप दो से तीन घंटे रखिए और उसके बाद पानी से मुँह धोना है तो धो लीजिए नहीं तो वैसे ही सो जाइए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल सा सिरम है अप्लाई कैसे करना है आपको लेना है स्प्रे बॉटल में जैसे कि मैंने डाला था वीडियो में स्प्रे बॉटल में उसको स्प्रे करना है कॉटन बॉल में डालना है और अपने अफेक्टेड एरिया में अच्छे से लगाना है बाकी एरिया में लगाइए क्योंकि आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है इसका सो डू ट्राई दिस आउट गाइज एंड मुझसे अपना फीडबैक जरूर ज़रूर शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना है लाइक like, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना मैं जल्दी मिलूंगी एक और रेमेडी के साथ तब तक के लिए बाय